राज्य सरकार के निर्देश पर रायगढ़ कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर गांव देहात से आने वाले कुम्हारों को संरक्षण देने की आदेश जारी किया है, जिसमें सभी नगरीय निकाय SDM को पत्र लिखकर बाजार में उन्हें कोई परेशानी ना हो और उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क ना लेने की सख्त हिदायत दी गई है। दीपावली के इस मौके पर गोबर के विशेष प्रकार के दिए भी झारा एम्पोरियम में उपलब्ध कराया गया है। रायगढ़ जिले में कलेक्टर यशवंत कुमार ने दीपावली पर्व पर नगर पालिका निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में कुम्हार एवं अंचल के ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दियों के संबंध में किसी प्रकार की वसूली न करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा है कि दीपावली के पर्व पर कुम्हार एवं अंचल के ग्रामवासी मिट्टी के दिए बनाकर इन्हें बाजारों में विक्रय के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने आयुक्त नगर पालिका निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खरसियां सारंगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पुसौर किरोड़ी मलनगर सरिया बरमकेला घरकोड़ा धर्म जयगढ़ लैलुंगा को किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा मिट्टी के दिए के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मिट्टी के दिए विक्रय करने आने वाले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सभी SDM एवं सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है। दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक एवं कला को जीवंत रखने हेतु आम जनों के लिए गौठानों के माध्यम से दिया तैयार कराया गया है। गौठान के गोबर एवं मिट्टी से निर्मित दिए स्थानीय झारा शिल्प एम्पोरियम तथा नटवर स्कूल रायगढ़ प्रांगण में विक्रय किए जा रहे हैं। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी नागरिकों से दीपावली में इन दियों का उपयोग करने के लिए आग्रह किया है। राज्य शासन की ओर से ये निर्देशित किया गया है कि जो परंपरागत तरीके पे से मिट्टी के दिए बनाते हैं और विक्रय करते हैं, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए ताकि परंपरागत तौर पे जो बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके और उनके बिक्री में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उनकी मंशा अनुरूप हमने उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ साथ रायगढ़ जिले में एक हमने अभिनव प्रयोग किया है, एक नया प्रयोग किया है कि गोबर से जो बने हुए दिए हैं उसको हमने हमारे यहाँ जो झारा हस्तशिल्प केंद्र है जो नटवर स्कूल के बगल में है उस वहाँ पे हमने बिक्री के लिए रखवाया है ताकि गोबर से भी बने हुए दिए का भी अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि इस दिवाली मिट्टी से बने हुए और गोबर से बने हुए दियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। थैंक यू। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN24।